नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज मैंने फिर अपने भाई लेवी जी को निमंत्रण दिया कि वो हमारे इस शो पर आए और अपने जो हैं विचार हमारे साथ ताज़ा करें, क्योंकि ये एक जूश प्राउड जूश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आपको पता है हम लोग के दिल के बहुत करीब है। तो इसराइल में, इसराइल के ऊपर आपको पता है ईरान की हमले की बात चल रही है और उसी मुद्दे पे हम इनकी राय जानना चाहेंगे कि क्या देखते हैं ये कि ईरान का एक्शन क्या होगा आफ्टर द अटैक ऑफ इसराइल ऑन देयर एम्बेसी, वेस्ट कैसे रिएक्ट करेगा। इन्हीं सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिवाई जी के एक्सपर्ट व्यू के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। लिवाई जी, शलोम। शालोम, नमस्ते, जय हिंद। आप के शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज नाइस एंड प्लेजर टू सी यू अगेन। थैंक यू जी। और चूंकि हम तो सब लोग को सब चीज को मानने वाले हैं, तो चैत्र नवरात्रि भी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों। चूंकि आप मराठी बैकग्राउंड से हैं, तो कल गुड़ी पड़वा भी थी या परसों गुड़ी पड़वा थी, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की भी हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद की मुबारक। सो लेवी जी, पहला प्रश्न यही होगा कि इसराइल ने तो पूरा समा बांध दिया है कि वो बदला लेके रहेंगे, क्या देख रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे आप देख रहे हैं, ईरान कितना सीरियस है इसराइल के अटैक को बदला लेने पे, और क्या देखते हैं आप? अगर आपको याद हो तो जब हमारी पिछली बात हुई थी, इसराइल ने जो सीरिया में उनका जो एम्बेसी है उनकी बगल वाली बिल्डिंग जो है उसमें अटैक किया था। उसमें एक वेरी सीनियर ईरानी जो जनरल था वो मर गए थे और उसको उसके साथ में तीन चार पांच और सीनियर अफसरान भी मर गए थे इसके अंदर। तो इसका ईरान ने कह दिया था कि वो उसका बदला जरूर लेंगे। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो गल्फ की कंट्रीज जो हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, इराक, वो आप सुलेमानी जी की बात कर रहे थे ना, जो जिनको इराक में अमेरिका ने उड़ाया था। रही जी, सुलेमानी तो यूएस ने मारा था 2000 में, जनवरी में 2000 में। हाँ, पर ये जो बात है, रईसी है उसका नाम, मोहम्मद रईसी, आई थिंक ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल, आई थिंक। अच्छा, जो अभी उड़ा दिया, ठीक है। अप्रैल 1 को डमास्कस एम्बेसी के कॉम्प्लेक्स के नजदीक में मारा था एम्बेसी। तो अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, इन्होंने ये बात हो चुकी है इनके साथ में, और इजराइल में ये जो अभी प्रिपरेशंस चल रही हैं कि पोटेंशियल जो इरानियन स्ट्राइक जो इमिनेंट है वो होगा, उसको कैसे काउंटर करेंगे, इन्होंने सारे जो एयर डिफेंसेस सारे कुछ रेडी कर दिए हैं। और एक्चुअली पीछे भी सरगर्मियां चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं कि यूएस ने भी बात की है ये सिंस गल्फ कंट्रीज के साथ में, जो ईरान को बोलने के लिए कि वो डी एस्केलेट करें, ठीक है। और तो ये चल रही है एट द मोमेंट, जो हॉस्टेज के टॉक्स है वो भी ब्रेक डाउन हो चुके हैं। और जो सैड पार्ट है कि हमास ने ये इन्फॉर्म किया कि हमारे पास 40 जो हॉस्टेजेस हैं जो जिसपे डिस्कशन हो रही है वो भी नहीं है उनके पास अलाइव। सबसे सैड पार्ट वो है कि वो इसकी, इसीलिए इसराइल बहुत टेंस्ड है और इसीलिए वो रफा को के ऑफेंसिव पे उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। तो ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसराइल पर। हम तो यही प्रे करते हैं कि जान किसी की ना जाए, सबकी जान बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पर हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जी अच्छा, मैंने ईरानियन से मिला हुआ है, मतलब मेरे कई ईरानियन फ्रेंड हुआ करते थे हैम्बर्ग में, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मतलब इतने कट्टर हुआ है नहीं जितना ईरान ने अपनी इमेज बना रखी है। अभी एक वो फैजा जी थी, वो आ गई थी ईरान से, उन्होंने एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी की, उनके पिताजी के मर्जी से शादी की है,
तो ये ईरान क्या डिस्पेंसेशन उसकी जो है और जो जो जनता है, क्या उनके बीच में कुछ आप एक डिफरेंसेस देख रहे हैं? जैसे अभी कोई एक इजिप्शियन यूट्यूबर वहां गया था, उसने कहा यार ड्यूरिंग द रोज रमजान के टाइम में, उसने कहा यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई हैं और रोजा को फॉलो ही नहीं करते हैं ये, तो क्या देख रहे हैं ये, क्या जनता में सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे एक करीब बहुत करीब मित्र हैं, वो ईरान से हैं, वो एक लेडी हैं और उन्होंने ये मुझे फर्स्ट हैंड बताया कि वहां के क्या माइंडसेट है। और वो कह रही थी कि वहां के लोग को इतना प्रेशर किया गया है ये मुल्ला रूलर्स ने कि वो उनका वो मजहबी नहीं रहे वहां पर, वो खाली दिखावा के लिए उनको कंपलसरी उनको जो चादर उनको ओढ़ना पड़ता है वो हिजाब जो कहते हैं वो उनको पहनना पड़ता है, वो भी फोर्सिबली पहनते हैं। और आपको ये भी जान के यू नो आश्चर्य होगा कि वहां की जो पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक्स बहुत यंग है, इंडिया से भी कम है, एवरेज एज होगा उनका 23-24 साल के, बहुत यंग है वो भी, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको भी बहुत सारे चीजें करनी है पर वो नहीं कर सकते अपने कंट्री में। तो वहां पे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है यंग लोगों के पास के वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि वहां पे लोगों ने मजहब छोड़ दिया इस्लाम, वो ये ऑनेस्टली खाली ये मुल्ला जो है वो इन्फोर्स करते हैं और उनका तो यही एक ये एक मोटिव है कि बस कैसे करके पावर में रहे। और उनकी जो उनका जो तरीका है वो IRGC है, उनकी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, तो ये उनका फोर्स इन्फोर्स कर रहे हैं उनका रूल वहां पर जबरन। तो काफी हालात खराब है वहां पर, आम लोग बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वो इंडियंस को तो बहुत पसंद करते हैं और कितने हमारे यूट्यूबर भी गए हैं वहां पर, उनको अच्छा इस्तकबाल होता है वहां पर और बड़ा पसंद करते हैं वहाँ, इंडियन गाने बहुत सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं वहां पे, तो इंडियन चैनल बकायदा उनका 24 आवर्स रन हो रहा है वहां पर क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं। तो ये मेरे जो करीब मित्र थे उन्होंने बताया कि वहां पे काफी जो बाहर गाँव में काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, अगर आपको पता है जो अमीनी जिसको मार दिया था 1.5 साल पहले उसमें काफी प्रोटेस्ट हुए थे, तो बहुत यहाँ पे जो बाहर इरेनियंस हैं वो बाहर जाके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट और दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। जी तो ये जो बिकॉज कि मैं बताऊं, मेरे साथ जब मैं जर्मनी में था तो मेरे रूम के बगल में ना दो यंग इरेनियन रहते थे और एक इरेनियन थी, उनसे मैं मिला था ऑन अ सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो बहुत अच्छी थी और वो हिंदुइज्म ही फॉलो करती थी, शी वॉज मोर इन टू हिंदुइज्म देन रिलीजन, तो छोड़ दिया था उन्होंने अपना। तो मैं जब ऐसे इमेंसिपेटेड लोगों से मिला तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये किस तरीके के लोग हैं, कौन है ये? तो हमारे पास दिमाग में तो कुछ और ही इमेज बनी हुई है। और आपके दर्शकों को बताऊँ, अपने दर्शकों को, कि हैम्बर्ग को तेहरानबर्ग भी कहा जाता है, इतने ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे इरानियंस रहते हैं। तो उस समय वो भी हुआ था, वो जो मुल्ला की ये उछालने वाला नहीं आया था, लोग स्ट्रीट्स में पगड़ियाँ उछाल उछाल के भाग रहे थे। और वो मेरा दोस्त जो था वो लड़का, वो बड़ा अच्छा 22 साल का लड़का था, कुछ इंजीनियरिंग उजीनियरिंग पढ़ने आया था, तो बोलता है अभिषेक द मुल्लाज आर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, ओपनली सेड इट। सो ईरान इज अंडर गोइंग अ साइलेंट रिवोल्यूशन, आई थिंक, आई मीन फ्रीडम वी आर नॉट, जी देखा था कि एक वहां के उनकी एक यूनिवर्सिटी की लड़कियां, उन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया तो वो तो ओपनली डांस कर रही है और मोटरबाइक भी चला रही है, वो जो बैंड है वहां पर मुल्लाओं ने बैन कर दिया, तो वो अपने वे से यंग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और more power to them. जी, yes, more power to freedom, always. Freedom का कोई negotiation नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। So, भारत तो हमेशा से freedom की बात करता आया है।
सलीवाई जी, चलिए अब इस पे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, थोड़ा उस पे भी बातचीत कर लेते हैं। तो भारत अमेरिका संबंधों पे भी उनकी कुछ वो थे कमेंट्स, तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं? जी ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान किशिदा का यूएस का, बहुत महत्वपूर्ण है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया और चाइना रिलेशंस। इस तरह से है कि आपको याद हो भारत और जापान के बहुत क्लोज संबंध हुए हैं पिछले 3 या 4 सालों में, और कई शोबों में हमने उनके साथ में बड़ा क्लोज कोऑपरेशन किया हुआ है, इंक्लूडिंग यू नो बुलेट ट्रेन्स को लेकर, और आल्सो जो मिलिट्री कोऑपरेशंस में है पर ओवरटली नहीं है, पर कोवर्टली उनका उनकी अंडरस्टैंडिंग्स काफी डेवलप हुई है एज पार्ट ऑफ द क्वाड। हम दोनों क्वाड में हैं अपार्ट फ्रॉम यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो ट्रिप है ये इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जापान, अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने उनका कॉन्स्टिट्यूशन पैसिफिस्ट बना दिया, उनका उसका मतलब यह है कि वो कोई भी एग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। तो उनके जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, उनके आर्म फोर्सेस, दे आर कॉल्ड द जापानीज डिफेंस फोर्सेस, मतलब उनके जो आर्म्स भी वो नहीं ऑफेंसिव टाइप के आर्म्स नहीं बना सकते। अभी रिसेंटली इन्होंने ये देखा, इवैल्यूएट किया कि चाइना का जो थ्रेट है उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है। उसका मतलब ये है कि अभी चाइना सॉरी जापान का जो आर्म स्पेंडिंग था वो सिर्फ 1.1% ऑफ द जीडीपी, विच ट्रांसलेट्स टू 4.5% 46 बिलियन डॉलर्स, राइट 45 बिलियन डॉलर का उनका बजट अभी है एट द मोमेंट, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम इसको बढ़ा के नियरली 2% करेंगे, मतलब करीब करीब अप्रोक्सीमेटली समझो 90 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर वो करने वाले इन द नेक्स्ट 5 years। ये बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है एक कंट्री लाइक जापान के लिए, और ये भारत के साथ में उनका उनका जो कॉपरेशन होगा मिलिट्री परस्पेक्टिव से बहुत और गहरा होगा। और एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है इसी जो ट्रिप जो किशिदा साहब जा रहे हैं, गए हैं अभी यूएस में, अभी तक एज वी स्पीक वो वॉशिंगटन में हैं, फिलीपींस के प्रेसिडेंट भी वॉशिंगटन में हैं, और ये दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। और अगर आपको याद हो पिछले 2 हफ्ते पहले चाइना के जो वॉरशिप्स थे उन्होंने ये जो फिलीपींस के शिप्स के ऊपर वाटर कैनन्स बरसाए थे और काफी लोग इंजर्ड हो गए थे, और ये तो मतलब ये मैटर एस्केलेट होने के कगार पर है ये। और तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रिप है वो एक अनदर काइंड ऑफ लेवल ऑफ सीरियसनेस ले रहा है वहां पर यूएस, और यूएस आल्सो बड़ा कंसर्न्ड है इस एस्केलेशन जो चाइना साउथ चाइना सी में कर रहा है। तो और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड, तो इसलिए वो बड़ी गहराई से देख रहा है। हमारे जो डिफेंस चीफ रिसेंट पास में ताइवान भी जा चुके हैं, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बेचे हैं, और जापान के साथ में जापान भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और नए नए बना रहा है। तो ये यहाँ पे भी गर्मियां बढ़ रही हैं साउथ चाइना सी में, और इंडिया भी अपने इसको इस सारे इवेंट्स को बड़े करीबी से देख रहा है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और हमारे रिलेशंस साउथ चाइना सी के कंट्रीज के साथ में बड़े गहरे हो चुके हैं। तो ये आई थिंक मुझे ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। तो ये काफी अच्छी सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। अच्छा मजे की बात देखिए कि कभी अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब किया था जापान को, और आज वो क्वाड में साथ में बैठे हैं। काश हमारे अपने लोगों को ये बात समझ में आती जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया है, झूठ के आधार पे बनाई गई आइडेंटिटी को रिविजिट करने को नहीं तैयार है। तो खैर ऐसी सोसाइटीज फिर डिके हो जाती हैं, अंदर से खत्म हो जाती हैं। जब आप सच नहीं सुनना चाहोगे तो फिर क्या ही किया जाए। जापान और अमेरिका उसका वो है कि देखिए आज बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, क्वाड बना के बैठे हुए हैं,
सो डायनेमिक्स चेंजेस, तो यही है। खैर एनीवेज, उनके स्कॉलर्स का भी भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है रादर। तो आइए थोड़ी सी गपशप लगा लें। भारतीय राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल चल रही है। मोदी जी एकदम डिक्टेटर बन गए हैं, मतलब परेशान कर दिए हैं वो जनता में। डेमोक्रेसी खत्म हो गई है इंडिया में। अब आप इंडियन हैं, क्या विचार रखते हैं आप भाई, कैसे बचाया जाए डेमोक्रेसी को? नहीं, डेमोक्रेसी को तो भारत क्या, भारत का जनता ही बचा सकती है। मुझे तो पूरा पूर्ण भरोसा है हमारे दो विजडम जो हमारे जो भारतीय वोटर के को है, जो नियरली 1 बिलियन के तक है। मुझे हमेशा भरोसा रहा है कि वो ले देकर सही डिसीशन करेंगे। और जो ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो पिछले 5 साल और 10 साल को ले लो पूरा मिलजुल कर, इनके जो पॉलिसीज हैं उनको बड़ी करीबी से वो देखेंगे, परखे जाना होगा, पहचाना होगा और ये कंक्लूजन पे लाना होगा कि भारत का की स्थिति 2014 में क्या थी और आज के तारीख में उनकी 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 पोजीशन क्या है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर आप स्टैट्स भी देख लें कि भारत का इंटरनली भारत बहुत ग्रो किया है, इट्स बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अभी 3rd की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो ग्लोब में, वर्ल्ड में हमारा जो क्या कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं उसको, और प्राइड जो है वो का बहुत बढ़ गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में देख लो आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप वो स्टेडियम में होते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। जो मोदी जी को जो प्रशंसा की गई, उनका जो इस्तकबाल किया गया, वो एक्चुअली था भारत के 1.4 बिलियन लोगों का इस्तकबाल, सलूट किया ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, ठीक है। तो ये दिखाता है कि और दुनिया भर में जहां भी मोदी जी गए वो रिप्रेजेंट करते हैं, सारे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उनका जो मान सम्मान होता है वो भारत के लोगों का मान सम्मान होता है। तो और इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई है पिछले 5-10 सालों में। तो मेरे हिसाब से ये जो बातें है ना वो ढकी छुपी नहीं रहती, लोग समझते हैं कि कितने सारे योजनाएं की हैं आत्मनिर्भर भारत और कितने सारे अनगिनत, और ये लोगों को उनका लाभ हुआ है, लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई हैं। तो ये मुझे तो पूरा भरोसा है कि भारत की जो आवाम है वो सही डिसीशन लेगी अपने वोट के द्वारा। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है, अल्टीमेटली जनता जनादरन है और हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। जी अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो पॉपुलर है, पर ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है, वहां पे डिक्टेटर्स को क्यों आप लोग वो करें? क्योंकि मोदी जी तो डिक्टेटर है भैया, वही तो सबके पीछे पड़े हुए हैं भारत से। अब वो आ गए तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब इस बार चुन के आ गए तो फिर संविधान विधान खत्म हो जाएगा, इलेक्शन विलेक्शन खत्म हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? यहाँ पर तक तो न्यूज नहीं पहुंची कि भाई मोदी जी डिक्टेटर, आप जो कह रहे हैं यहाँ दुनिया में कहीं भी मैं तो रोज प्रेसेस पढ़ता हूँ दुनिया के ग्लोबल्स का, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा कि मोदी जी एक डिक्टेटर है या कुछ भी है। उनके बारे में अच्छा ही बोला गया है वर्ल्ड प्रेस में कि कितने पॉपुलर लीडर हैं और भारत ने क्या डेवलपमेंट की है। आप कहीं भी आप यू नो ग्लोबल में कहीं भी टाइम्स पढ़ लो, फ्रांस के न्यूज़पेपर, ब्रिटेन के न्यूज़पेपर, अमेरिका के न्यूज़पेपर में सब में लिखा हुआ है कि क्योंकि ये जो आप ना आप सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते, आपको पसंद ना आए वो सच्चाई बट उसको आप झुटला नहीं सकते, नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो ये बात तो शायद भारत तक के पॉलिटिकल सिनेरियो तक सीमित होगी शायद, पर यहां तक तो न्यूज नहीं पहुंची आप जो कह रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं इलॉन मस्क मोदी जी से मिलने। जी so, जी बिल्कुल, क्या I'm looking forward to it. वो कहते हैं कि हम looking forward to it. और वो जैसा बड़ा मुंहफट दुनिया का सबसे you know अमीर तरीन इंसान है,
तो वो मोदी जी को भी की सराहना करते हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की भी उन्होंने प्रशंसा की है इन द पास्ट, और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है कि अगर हम वो टेस्ला गाड़ी अगर इंडिया में बनाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो फ्यूचर है, हमें हाइड्रोजन्स के से दूर, हमें जितना दूर और जितनी जल्दी भारत स्पेसिफिकली जाए, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो हमारी जो एक्सपेंस है वो है फ्यूल, पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन्स, तो जितना जल्दी अगर हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट करें, उतना ही अगर हम मेड इन इंडिया जैसे टेस्ला गाड़ी बनाकर बाहर बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, और दीज आर द बिग टिकट आइटम्स भारत को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं कि हम राइट ट्रैक पर हैं, ये भारत की जनता को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी कंट्री इज ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अगर हमारी कंट्री राइट ट्रैक पे नहीं होती तो हम पहले बोलते हैं, हम पहले तनकीद करते हैं, हम पहले उसको बोलते हैं कि भाई ये इसके कोर्स करेक्शन कीजिए क्योंकि ये भारत के लिए सही नहीं है, पर जब कंट्री राइट डायरेक्शन में जा रही है, यू नो फेसबुक के जो यू नो सीईओ आ रहे हैं, यू नो बैक चैनल्स पे उनके यू नो हमारे फेसबुक के ऑफिसेज भी हैं, गूगल के ऑफिसेज हैं, होपफुली अभी भगवान की दया होगी तो टेस्ला भी आके अपना फैक्ट्री खोलेगा, ये सब भारत की प्रोग्रेस को यू नो एविडेंस दे रहा है, तो हम बड़े खुश हैं और यही होप करते हैं कि भारत और दिन दुगनी और रात चौगनी प्रोग्रेस करे। जी मुझे तो कॉन्स्पिरेसी लग रही है मोदी जी की, वो इलेक्शन टाइम पे पहले बिल गेट्स से अपना प्रचार करवा रहे हैं, प्रचार ही है, बिलगेट जी आके चाय पी रहे हैं, फिर उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं, वो प्राइवेट नॉन पॉलिटिकल बातें होनी है जो पिछली बार अक्षय कुमार जी ने किया था, इस बार बिल गेट्स जी कर रहे हैं, अब उसके बाद इलेक्शन के समय में वो भी आने वाले हैं, क्या नाम है, इलॉन मस्क जी, इसी समय लिख देना भाई, एक दो महीना बाद ट्वीट कर देते, ऐसा कौन सा जल्दी था भैया, लेकिन इसी समय ट्वीट कर देना, नहीं जी मुझे नहीं लगता, मैं समझ रहा हूँ की बात, मैं पर मुझे नहीं लगता कि देखो मोदी जी के ना ही कोई आगे है ना पीछे है, पर उनका बहुत बड़ी उनकी फैमिली है, ठीक है, उनको ये सब हथकंडे अपनाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका हमेशा भारत के प्रोग्रेस पे जितना ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं ना, हम ब्लाइंडली मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हम उनके हर स्टेप को एनालाइज करते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा तो नहीं कि ये लोग हथकंडे अपना रहेंगे कहीं मोदी ना चला जाए, आप समझ रहे हैं, ये बिल गेट्स और ये लोग भी चाहते हैं कि मोदी, तो मुदाखलत है ना, ये तो इंटरफेरेंस है हमारे इलेक्शन में, क्योंकि ये लोग आके कह रहे कि भैया मोदी नहीं जाना चाहिए, इतनी बड़ी एंडोर्समेंट दे रहे हैं सारे इंजीनियर बच्चे या जो एस्पिरेशनल बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, जो फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं, जो ऐप बनाना चाह रहे हैं, पेपाल बनाने वाले इलॉन मस्क, स्पेसएक्स वाले इलॉन मस्क, जी अगर हम सच्चाई की बात करें ना, तो ये एक बात जो भारत की डेमोक्रेसी में जो आउटस्टैंडिंग रही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि पाकिस्तान में अगर नई गवर्नमेंट आती है ना वहां पर, तो पिछली गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज ना वो भारत कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, ठीक है, भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में क्या ये होता है कि अगर कोई पिछली गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज अपनाई है उनको वो कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जी आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, बट ऐसी मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, भारत ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करता, ना ही कोई गवर्नमेंट करता है ऐसी छिछोरी हरकतें, हमारे गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश होती है, या तो जो लास्ट एंड होगा उनका जो करंट गवर्नमेंट का बिफोर द इलेक्शंस, या एकदम फ्रेश शुरुआत होगा, जो उनका अप्रोच रहा है ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि ये जब इन तरह के जब फॉरेन विजिट्स होते हैं which has got a big long-term impact economic-wise, तो ये इसको politicize ना किया जाए, ठीक है, ये है long-term भारत के development का, तो इसी lens में देखा जाना चाहिए, rather than you putting it into mere politics and degrading
आवर ओन हार्ड वर्क ऑफ द कंट्री. तो मेरे हिसाब से तो इसको इसको इस लेंस से देखना चाहिए. जी तो धन्यवाद लेवी जी, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपसे फिर से ऐसे ही वार्तालाप होती रहेगी, आपकी बातों को हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और आशा है कि आप हमारे लिए समय निकालते रहेंगे. आपको बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद. राम राम आपको.